हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन टेली तड़का चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सब टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के उन एक्टर्स के बारे में जिन्होंने शो को बीच में ही क्विट कर दिया। तो दोस्तों, आज हम उन 12 एक्टर्स के बारे में बताएंगे कि आखिरकार उन्होंने क्यों छोड़ा तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है निर्मल सोनी, जिन्होंने शुरू के एपिसोड में डॉक्टर हंसराज हाथी के किरदार निभाया था। वही उन्होंने शो को इसलिए क्विट किया क्योंकि उन्हें दूसरे शो से अच्छा ऑफर मिला था। बाद में निर्मल सोनी को कवि कुमार आजाद ने रिप्लेस किया। नंबर 2 पर है झील मेहता, जिन्होंने शो में सोनू भिड़े का किरदार निभाया था। वही उन्होंने शो में 2008 से 2012 तक काम किया। उन्होंने अपनी स्टडी पर फोकस करने की वजह से शो को कर दिया था क्विट। वही झील मेहता को रिप्लेस किया था निधि भानुशाली ने। नंबर 3 पर है भव्य गांधी, जिन्होंने शो में टिपेंद्र गड़ा यानी टप्पू का किरदार निभाया था। शो में उन्होंने 2008 से 2017 तक काम किया। वही उन्होंने फिल्मों में अपना कैरियर बनाने की वजह से शो को किया था। बाद में भव्य गांधी को राज अनटकड़ ने रिप्लेस किया। नंबर 4 पर है गुरुचरण सिंह, जिन्होंने शो में रोशन सिंह थोड़ी का किरदार निभाया था। वही उन्होंने शो को 2013 में इसलिए क्विट किया क्योंकि उन्हें दूसरे शो से अच्छा ऑफर मिला था। वही 2014 में उन्होंने फिर से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को ज्वाइन किया। वही 2020 में उन्होंने पर्सनल रीजन की वजह से शो को किया क्विट। नंबर 5 पर है जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल, जिन्होंने शो में रोशन भाभी का किरदार निभाया था। उन्होंने 2013 में पर्सनल रीजन की वजह से शो को कर दिया था क्विट। वही उन्होंने फिर से 2016 को तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को ज्वाइन किया। नंबर 6 पर है कवि कुमार आजाद, जिन्होंने शो में डॉक्टर हंसराज हाथी का किरदार निभाया था। उन्होंने शो में 2009 से 2018 तक काम किया। वही 2018 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। वही बाद में उनकी जगह निर्मल सोनी को रिप्लेस किया गया। नंबर 7 पर है मोनिका भदौरिया, जिन्होंने शो में बावरी का किरदार निभाया था। वही उन्होंने 2019 में शो में अपनी फीस नहीं बढ़ाने की वजह से शो से निकलने का फैसला लिया। नंबर 8 पर है लाड सिंह मान, जिन्होंने शो में रोशन सिंह सोड़ी का किरदार निभाया था। उन्होंने शो में 2013 से 2014 तक काम किया। वहीं शो में पहले सोड़ी यानी गुरुचरण सिंह की री एंट्री से उन्हें शो को कहना पड़ा अलविदा। नंबर 9 पर है दिलखुश रिपोर्टर, जिन्होंने शो में रोशन भाभी का किरदार निभाया था। वहीं उन्होंने शो में 2013 से 2016 तक काम किया। वहीं 2016 में पहली रोशन भाभी यानी जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल की री एंट्री से उन्हें शो को करना पड़ा क्विट। नंबर 10 पर है निधि भानुशाली, जिन्होंने शो में सोनू भिड़े का किरदार निभाया था। शो में उन्होंने 2012 से 2019 तक काम किया। वहीं 2019 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की वजह से शो को बीच में ही क्विट कर दिया। नंबर 11 पर है नेहा मेहता, जिन्होंने शो में अंजलि तारक मेहता का किरदार निभाया था। शो में उन्होंने 2008 से 2020 तक यानी 12 साल तक काम किया। नेहा मेहता ने शो को अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से छोड़ दिया है, पर खबरों की माने तो नेहा मेहता और शो के प्रोड्यूसर आसिफ मोदी के बीच सेट पर कई बार अनबन की खबरें आ चुकी है, और इसी वजह से नेहा मेहता ने शो से निकलने का फैसला कर दिया है। बाद में नेहा मेहता को सुनैना फौजदार ने रिप्लेस किया। नंबर 12 पर है दिशा वाकाणी यानी सबकी चहेती दयाबेन, शो में उन्होंने 2008 से 2017 तक काम किया। वहीं उन्होंने 2017 में शो को पर्सनल रीजन की वजह से शूट करना बंद कर दिया था। वहीं काफी लंबे वक्त के बाद 2019 में एक एपिसोड के लिए शो में वापसी की थी। तो दोस्तों, ये है वो एक्टर्स जिन्होंने शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बीच में ही कर दिया था क्विट। तो दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताएं आपका फेवरेट किरदार कौन सा है जिसे आप मिस कर रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।